मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 o'clock से और मैं हूँ अभी अपने खेत में, नीचे वाले खेत में जहाँ कि हमने अभी बाउंड्री नहीं करी है, इस वाले एरिया पे हूँ। और तो यहाँ पे टाइगर निकला है कल रात, यहाँ से आया है टाइगर और उसके फुटप्रिंट लगा है ये, यहाँ से निकला है सीधे आगे का। उसके फ्रेश पगमार्क दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पे टाइट जमीन है इसलिए इसके फुटप्रिंट्स ठीक से दिख नहीं रहे, थोड़ा आगे जाके दिखेगा सही से। ये क्या है? हाँ सही, ये फिर ये डेला भी टूटा है मिट्टी का। ये है ये वाला फ्रेश। यहाँ से गया ये बाहर, ये यहाँ से गया है बाहर। और यहाँ से हमारा घर कितने पास है देखिए, यहाँ से निकला है बाहर। वहाँ से आया इस तरफ से, फिर ये लगा पकमा कि ये देखिए ये साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ से फिर ये गया है ऐसे इधर को हवा से घूम के, फिर वहीं से बुआ जी के टूटे हुए घर के बराबर से सीधा रोड पार। लोकेशन ये पनोद नाला और इधर फिर चला है ये। बिल्कुल यहाँ से फिर रस्ते चला है सीधे वहां से रोड क्रॉस। देखिए दोस्तों, मैं हूँ अभी दीपू के घर के पास और सामने दीपू की शॉप। और रात को कितने 3:30 बजे का ना, 3:30 बजे पहले टाइगर यहाँ आया, तब सुबह 6 बजे उस तरफ हो गया था और दीपू ने वो देखा, कैप्चर नहीं कर पाया ना बस। हाँ तो देखो ये सामने ये घर है और इस रास्ते पे वो चला है और इसने देखा अपने घर से, वहाँ से इसने टॉर्च मारा तो इस वाले पेड़ की तरफ। अभी वहाँ के पगमार्क दिखाएंगे आपको। यहाँ पे इसने मार्क करा है पर ये यहाँ पे लोग चल गए हैं, पर मैं ठीक से देख रहा हूँ, शायद आगे होगा कहीं। आया किधर से पता चला कुछ? आया वो ऐसे, वो नाले से आया है, रस्ते आया वो वो इसलिए आया होगा ना, जैसे इनके गौशाला है तो ये गाय भैंस के चक्कर से आ गया। परसों जब मैंने यहाँ पे लेपर्ड भी ऐसे देखा। अच्छा, अरे वाह, ये सहतूत का पेड़ है? नहीं क्या गजब छांव इसमें, मैंने भी लगा रखा है सहतूत का पेड़ आइविन जी के नाम से, तो वो भी अभी छोटा है, बरसात तक हो जाएगा ठीक। तो लोग चल गए ना यहाँ पे, इधर को आए हुए का है गए हुए का? जबरदस्त, ये इसकी हथेली है और ये नेल्स हैं इसके।
और यह छोटा पनौर नाला, हो सकता है वो यहीं से नीचे उतरा होगा और यहीं से फिर गांव में अंदर एंटर हो गया। ये भी है और ये भी है। क्या करा हो देख, ये पहले आया यहाँ से क्रॉस हुआ, सीधा पहले गया नदी पे पानी पीने के लिए, वहाँ से फिर आया ये खाने की तलाश में। इस वाले पेड़ से इसने अंदर को कट लिया। हाँ, अंदर रास्ते गया वो, और वहाँ से फिर जब उसको कुछ मिला नहीं, यहाँ से फिर वो वापस गया सीधे हमारे वाले एरिया पे। को सुबह 6 बजे हिरन थे, पता कहाँ? हाँ, हिरन थे यहाँ सिंबल के पेड़ में, पेड़ के नीचे। कंटर आ गया है कहाँ? सिंबल के पेड़ के नीचे यहाँ पे जीतल है। और जब कॉल हुई यहाँ से चले उस खेत की तरफ, यहाँ से भी, यहाँ भी थे ना पीछे में सही लोग चले गए, तो यहाँ से चढ़ा होगा अंदर। हाँ, अच्छा इस वाले एरिया में वो यहाँ से ऐसा आया हो, यहाँ से निकला हो ऐसा करके सीधे यहाँ। अब मैं टॉर्च मारा, इधर उधर टॉर्च मारा, मेरे को दिखा नहीं। कॉल भी थी साथ में? कॉल भी थी। अच्छा, मेरे फोन में मैंने रिकॉर्ड किया हो। अच्छा यार, इसीलिए आए गाय भैंसों के चक्कर से, ये गौशाला है इनके यहाँ पे सामने। इस खंबे का ये सेतु के पेड़ के बीच में वो यहाँ से आया, इतनी तेज से आया, रम 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 करके फट मेरे को देखा नहीं करके उसका फट से घूम गया। अरे टॉर्च मारते ही मुड़ गया होगा वो, एकदम उसके मुंह पे लग गया ना टॉर्च। हाँ, मुझे एकदम देखा नहीं क्या हुआ। तो जब कॉलिंग हुई तब निकला होगा तो बाहर? कॉल, हाँ कॉलिंग हुई, मैं एकदम बाहर निकला। मैं वो यहाँ तक आया। अच्छा, और ये यहाँ सामने घर, यहाँ पे टाइगर था तो दीपू का घर है सामने। तूने वहाँ से टॉर्च मारा होगा? मैंने वहाँ से सीधा उसके ऊपर टॉर्च मार दिया। ओ, वो ये से ऐसा घूम गया सीधा उधर से। अच्छा, यहाँ नहीं बन गया, यहाँ नहीं। अच्छा, उसका विचार था ऐसा, यहाँ से, यहाँ से आता हो। हाँ, वो धीरे धीरे आता है यहाँ पीतल से। हाँ, पीतल मारना। हाँ 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 ये भी है देखिए, ये टाइगर का पगमार्क है ये वाला, और ये सामने देखिए घर है। ये है बाड़ा। हाँ, ये है अम्मा। तो कल रात जब टाइगर आया तो पता चला तुम्हें? मेरा पापा भीतर कड़ा में तबियत खराब, मेरा सांस चल रहा पर कण चल रहा, मैं वह सांस में कुछ सुन नहीं मैं, और तब के सुन में चट्टम इन्हें सुनया भले, इन्हें सुनया भले शर्म कुछ चुप किले निमन वो दिन बनने आमा ये झगड़ी भीतरी कुकुर एक एक पाफर बानर, एक कुत्ता। तो टाइगर के आते ही कुत्ता शांत हो जाता है, चुप। हाँ, चुप हो जाता है बिल्कुल। दादी तू बोले बाबू बहुत कंडीशन खराब हो गया। दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपको मेरा फ्रेंड रंजीत के बड़े भैया हैं सुभाष जी। हेलो दोस्तों। तो इनका अपना दिल्ली में एक वर्कशॉप है जिसमें कि डाई मेकिंग का काम करते हैं। तो अगर डाई मेकिंग काम से अगर कोई रिलेटेड है तो आप संपर्क कर सकते हैं भैया से। तो भैया जी एक बार बताएं आप अपने काम के बारे में, क्या कैसे होता है? मेरा काम है डाई मेकिंग वर्क है, जैसे प्रिंटिंग पैकेजिंग और वाले लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं इन चीज से रिलेटेड है उनकी डाइयां बनाते हैं, कटिंग डाई। कटिंग डाई, हाँ जी। तो हमारा स्टिकर लेबल बॉक्स और पीवीसी की हर चीज की कटिंग डाई बनाते हैं। अच्छा, दिल्ली में मेरा वर्कशॉप है उत्तम नगर में। उत्तम नगर में, हाँ जी। कॉन्टेक्ट नंबर बता दो एक बार अपना। कॉन्टेक्ट नंबर है 9971405885। तो आप ये ऑर्डर पे करते हो सब? हाँ, ऑर्डर पे ही।
अच्छा, जैसे किसी को बॉक्स की, पहले प्रिंटिंग वालों को बॉक्स का ऑर्डर आएगा, कार्टन बॉक्स हो गया, स्टिकर, अलग अलग साइज होते हैं उनके पास, पहले ऑर्डर आते, फिर वो हमें ऑर्डर देते हैं अच्छा इसकी डाई बनानी इस साइज की, फिर हम डाई बना के देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बना के रख दो, अलग अलग साइज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेडिकल की हो गई, कई चीजें की मेडिसिन हो गई, और या आपको कपड़ों के टैग, लेबल, स्टिकर, किसी भी चीज की अलग अलग साइज होता है, उसकी डाई बनाते। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।